हेलो ग्लोरियस फैमिली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि वो FW ऑर्गेनिक्स के क्लेंजर के ऊपर है। मुझे मेरे पास काफ़ी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे जब मैंने स्टोरी शेयर की थी कि हम लोगों को बैक टू बैक इन प्रोडक्ट्स का रिव्यूज़ दीजिएगा, मतलब स्टेप टू स्टेप। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एक ही आप वीडियो में सारे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, तो मैं इसीलिए अलग अलग हर प्रोडक्ट को रिव्यू कर रही हूँ। आज जिस प्रोडक्ट पर हम बात करेंगे वो है FW ऑर्गेनिक का क्लेंजर, जो दिखता कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये रोज वाइटनिंग क्लेंजर है और इसमें बहुत बहुत जबरदस्ती फ्रेग्रेंस है एक रोजेस की, और मिल्क के एक्सट्रैक्ट्स हैं, रोजेस के एक्सट्रैक्ट्स हैं जिससे आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन अप होती है। इसमें फ्लैक्स सीड्स हैं, मिल्क है और रोज का पाउडर है। ठीक है, इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसमें आपको ईजिली प्राइसेस वगैरह पता चल जाएंगे। मैंने सेल से मंगवाया था और अभी भी मैंने कल चेक किया था तो सेल इनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप ईजिली सेल अवेल कर सकते हो। और ये 150 ml की बॉटल है और यहाँ पर एक्सपायरी मैंशन हुई भी है, तो आप लोगों को एक्सपायरी भी देखने में कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, इट दिस प्रोडक्ट इज़ वैलिड टिल 12 months, मतलब एक साल तक के लिए वैलिड है। और मैंने ये आप लोगों को पहले भी बताया था स्किन केयर की वीडियोज़ में कि जो भी स्किन केयर आप लेते हो उसको एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम कर लो ताकि आप उसका मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो उठा सको। ठीक है, अब ये हो गई प्रोडक्ट की पैकिंग पर बात। इस पर और मजीद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना आगे ना पीछे। ठीक है, अब चलते हैं इसके टेक्सचर पर। ये देखो, इस तरह का इसका टेक्सचर है। ठीक है, और इसमें ना बहुत अच्छी सी रोजेस की फ्रेग्रेंस है। इसमें अगर लिखा हुआ है ना, ये लोग क्लेम कर रहे हैं रोज और मिल्क है, तो आपको फ्रेग्रेंस से पता चलेगा कि ये रोज और मिल्क है। और बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर है, बिल्कुल इसमें कोई ग्रैन्यूल्स समथिंग लाइक दैट कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से अपने किसी भी पार्ट पर, और क्लेंजिंग जरूरी नहीं है हम फेस की और नेक की करें, हम किसी भी बॉडी पार्ट की कर सकते हैं। हम अपने हाथों की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं, हम अपने फुट्स की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं, नेक की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं, तो हम किसी भी बॉडी पार्ट की क्लेंजिंग कर सकते हैं। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से, और क्लेंजिंग का जो स्टेप होता है ना उसको कम से कम 10 से 15 मिनट दिया कीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट रिजल्ट पता चल सके किसी भी प्रोडक्ट का। मैं हाथ पर आपको इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि फेस पर क्लेंजिंग का रिजल्ट फौरन से पता नहीं चलता। और मेकअप, मैंने बहुत सारी वीडियोज में क्लेंजर की मेकअप रिमूव किया, तो एवरीवन थिंक्स कि मैं सिर्फ मेकअप रिमूव करने के लिए क्लेंजिंग मिल्क या क्लेंजर यूज़ करती हूँ। इट्स नॉट द केस, मैं क्लेंजर वैसे भी नॉर्मल यूज़ करती हूँ अगर मैंने कभी मेकअप नहीं भी किया हुआ। ठीक है, तो क्लेंजर का ये कोई प्रोसीजर नहीं होता, मैंने हाथ पर कोई मेकअप अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन देखें क्लेंज कर रही हूँ मैं, और अब आपको इन दोनों हाथों में डिफरेंस दिखाऊंगी मैं। सो अभी इसको अच्छी तरीके से रब करना, और हमेशा रब कीजिए जेंटली, कभी भी ऐसा हार्श मत होइए अपनी स्किन के साथ, अपने हैंड्स के साथ, अपने पैरों के साथ, कभी भी हार्श नहीं होना चाहिए ताकि आपकी स्किन सैगी ना हो और उसमें डिफरेंट किस्म के प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ठीक है, इसको मैं अच्छी तरीके से 10 मिनट तक रब करूंगी, उसके बाद फिर आपके सामने रिजल्ट्स के साथ आऊंगी। ठीक है जी। अच्छा जी, 10 मिनट्स हो गए, मैंने इसको अच्छी तरीके से रब कर लिया है। मैं अभी ये टिश्यू यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे और कुछ मिल नहीं रहा है। ये देखो, बिल्कुल अच्छे से डीप क्लेंजिंग करोगे ना तो आपका टिश्यू या जिस भी चीज से आप साफ करोगे उसमें इजीली गंध बला पता चल जाएगी कि आपके पूरे दिन में आपके हाथ पर या जिस भी एरिया पर आपने क्लेंजिंग की है उसके साथ होता क्या रहा है। ठीक है जी, ये देखो, अब इन दोनों हाथों का डिफरेंस देखो, साफ पता चल रहा है कि इस पर क्लेंजिंग हुई है और इस पर क्लेंजिंग नहीं हुई है। ठीक है जी, सो आप अपने रिव्यूज मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव दिस अ थम्स अप एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।